क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का एक बेहतरीन फिनिशर मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को कई बार आईसीसी टूर्नामेंट्स में पछाड़ा है। दोस्तों आईसीसी टूर्नामेंट्स की काफी ज्यादा घातक टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलियाई टीम। कंगारों की टीम के बीच में भारतीय टीम का एक ऐसा ही तूफानी मुकाबला खेला गया था T20 वर्ल्ड कप में। 16 का T20 वर्ल्ड कप मुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें सुपर ग्रुप का मुकाबला था। दोस्तों उस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी कंगारों की टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम की शुरुआत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत धाकर थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया आसमान ख्वाजा के रूप में जसप्रीत बुमराह ने, जिनकी विकेट 26 रन पर गई। ऐसे में उनके बाद एरन फिंच ने इस मुकाबले में अच्छी पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि वो तूफानी तरीके से इस मुकाबले में सेट हो गए क्योंकि वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे स्पिनरों के सामने भी, लेकिन जब वो 43 रन पर खेल रहे थे तो इस गेंद पर हार्दिक पांड्या के सामने खड़े धवन को अपना कैच दे बैठे एरन फिंच और अपनी विकेट गवा बैठे। ऐसे में उनके बाद डेविड वार्नर मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए। 30 नंबर पर आए थे बल्लेबाजी करने के अश्विन गया तो उनके बाद स्टीव स्मिथ भी जल्दी ही अपनी विकेट गवा बैठे। दूसरे मुकाबले में स्टीव स्मिथ मात्र 2 रन बनाकर युवराज सिंह के हाथों आउट हो गए। तो उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ अतरंगी शॉट्स खेले। दोस्तों इस मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल ने 31 रनों की पारी खेली, लेकिन अंत में आकर वो भी बड़े शॉट्स ज्यादा खेले थे और जसप्रीत बुमराह ने उन्हें रवाना किया पिच पर 31 रन पर इस तरीके से बोल्ड कर गए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें उनके बाद शेन वॉटसन 18, जेम्स फॉगनर 10 और पीटर नाइल ने 10 रन लगाए। ऐसे में अंत तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 160 रन लगा दिए थे और भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए 161 रनों की दरकार थी। जी हां दोस्तों 120 गेंदों में 161 रन लगाने थे भारतीय टीम को तूफानी मुकाबला जीतने के लिए। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम। दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत भी उतनी कुछ ज्यादा बेहतरीन नहीं रही, जहां भारतीय टीम की पहली विकेट गई शिखर धवन के रूप में, जो मात्र 13 रन बनाकर पीटर नाइल की गेंद पर ख्वाजा को अपनी कैच दे बैठे। तो उनके बाद दूसरा बड़ा झटका लगा रोहित शर्मा के रूप में। दोस्तों शेन वॉटसन ने रोहित शर्मा को इस तरीके से बोल्ड कर दिया और मात्र 12 रन पर शेन वॉटसन को विकेट मिली रोहित शर्मा की, जो काफी बड़ी विकेट थी। ऐसे में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। दोस्तों इस टूर्नामेंट में इनका फॉर्म काफी ज्यादा तूफानी चल रहा था, लेकिन इनकी बात हम अंत में करेंगे। नंबर 4 पर आए थे सुरेश रैना। दोस्तों मुकाबले में रैना भी 10 रन बनाकर वॉटसन की गेंद पर आउट हो गए। ऐसे में नंबर 5 पर आया भारतीय टीम का शेर बल्लेबाज, भारतीय टीम की जान युवराज सिंह। दोस्तों आते युवराज सिंह ने अपनी इनिंग की शुरुआत इस तरीके से की, ये गेंद एज लेकर गई सीधा चौकी की ओर और युवराज सिंह का खाता खिला चौकी के साथ। दोस्तों युवराज सिंह इस मुकाबले में ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन युवराज सिंह का एक शॉट इस मुकाबले में काफी पॉपुलर हुआ था, जो उन्होंने जैम्पा की इस गेंद पर लगाया था। दोस्तों फुल टॉस गेंद रखी जैम्पा ने और युवराज सिंह ने इसका भरपूर फायदा उठाया, खड़े खड़े इस गेंद को भेजा सीधा अंतरिक्ष में और ये गेंद गई सीधा छक्के के पार। ऐसे में युवराज सिंह ने 21 रनों की धाकड़ पारी खेली, जिसमें से उन्होंने एक तूफानी छक्का व एक तूफानी चौका जड़ा था। लेकिन दोस्तों सभी को बता दें युवराज सिंह अपनी छोटी पारी को एक बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो इस मुकाबले में 21 रन बनाकर अपनी विकेट गवा बैठे। फॉगनर की इस गेंद पर नीचे खड़े वॉटसन ने कैच पकड़ी युवराज सिंह की और युवराज सिंह 21 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में अंत तक बल्लेबाजी कर रहे थे विराट कोहली, जो नंबर 3 पर आए थे। इन्होंने इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों इस मुकाबले में विराट कोहली ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया के लगभग सभी गेंदबाजों को डोमिनेट किया। एक तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया विराट कोहली ने। दोस्तों इसी शॉट के साथ विराट कोहली ने अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा किया था, लेकिन अभी भी जीत के लिए 4 रन और चाहिए थे। ऐसा लग रहा था सिर्फ एक ही ओवर बाकी है। जी हाँ दोस्तों आखिरी के एक ही ओवर में 4 रन चाहिए थे जीत के लिए भारतीय टीम को, पर विराट कोहली स्ट्राइक पर नहीं थे क्योंकि विराट कोहली की जगह स्ट्राइक पर आ गए थे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे इस मुकाबले में, लेकिन उन्होंने ज्यादा गेंदों का सामना नहीं किया था। सिर्फ एक में चाहिए थे 4 रन। दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे ही फॉकनर ने पहली गेंद डाली इस ओवर की, तो महेंद्र सिंह धोनी तूफानी तरीके से आगे बढ़कर सेट होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गेंद उनके पैरों पर आई तो महेंद्र सिंह धोनी ने इस गेंद को पूरी तरह से फ्लिक किया, इतनी ताकत से फ्लिक किया कि गेंद गई सीधा बाउंड्री के पार। और दोस्तों आप सभी को बता दें तूफानी तरीके से भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला अपने नाम किया। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में विराट कोहली ने 82 रनों की नाबाद पारी के लिए 51 गेंदों में, जिसमें से उन्होंने 2 तूफानी छक्के व 9 तूफानी चौके जड़े थे और महेंद्र सिंह धोनी ने 18 रनों की पारी के लिए 10 गेंदों पर और भारतीय टीम ने शानदार तरीके से मुकाबला जीता 6 विकेटों से। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह मुकाबला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आज भी सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। दोस्तों आपको महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी कैसे लगे मैं बार जरूर बताते जाए और लाइक करें और इसी क्रिकेट खेल सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद। दोस्तों भारत का सबसे ऐतिहासिक मुकाबला 2 ऐतिहासिक टीमों के बीच में, जो कि है भारतीय टीम बनाम पाकिस्तान की टीम। दोस्तों इन दोनों की टीमों के बीच में जब भी मैच होता है तो भारत में कोई नजर नहीं आता, सब अपने अपने टीवियों पर मैच देखते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम के लिए काफी ज्यादा जरूरी था, जहां दोनों ही टीमें आमने सामने आई थी और दोनों के बीच में एक कांटे की टक्कर का मुकाबला खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने बेहतरीन तरीके से कमबैक किया था तो पाकिस्तान की टीम ने भी अपना पूरा जोर लगाया था। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में पहली विकेट गौतम गंभीर के रूप में मिली पाकिस्तान की टीम को, जहां पाकिस्तान को मात्र 0 रन पर गौतम गंभीर की बड़ी विकेट मिली। तो उनके ठीक बाद
सहवाग भी मात्र जल्दी ही आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, भारतीय टीम के लगभग 3 रन पर ही 2 बड़े विकेट चले गए थे। ऐसे में सहवाग के आउट होने के बाद मैदान पर आए थे भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह, लेकिन इनकी भी विकेट पाकिस्तान ने काफी जल्दी निकाली। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में भी युवराज सिंह बड़ी पारी नहीं खेल पाए और जल्दी आउट हो गए। ऐसे में 19 रन पर 3 बड़े विकेट गिर चुके थे भारतीय टीम के और 4 ओवर हो चुके थे। ऐसे में मध्य क्रम में दिनेश कार्तिक आए थे, लेकिन वो भी अपनी जल्दी ही विकेट गवा बैठे और 36 रन पर 4 विकेट गए भारतीय टीम के। उसके बाद रॉबिन उत्तप्पा ने एक बेहतरीन पारी खेली। दोस्तों आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में रॉबिन उत्तप्पा ने तूफानी अर्धशतक अपना पूरा किया। इस मुकाबले में उन्होंने 50 रनों की तूफानी पारी खेली थी। उनका साथ दे रहे थे दूसरे एंड से महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने भी 33 रनों की पारी खेली थी, तो उनके साथ इरफान पठान ने 20 रनों की पारी खेली थी। दोस्तों आप सभी को बता दें, अंत में अगर भारतीय टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 141 रन लगा दिए थे 9 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 141 रन लगाए थे और पाकिस्तान की टीम को मुकाबला जीतने के लिए 142 रन चाहिए थे। वैसे में 142 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम। दोस्तों इस मुकाबले में पाकिस्तान की भी शुरुआत उतनी कुछ ज्यादा बेहतरीन रही नहीं, जहां आरपी सिंह ने पाकिस्तान को पहला झटका दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें, तीसरे ओवर में पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी। ऐसे में उसके बाद पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, मध्य क्रम में कुछ बेहतरीन बल्लेबाजी हुई, लेकिन फिर भी भारतीय टीम दूसरे एंड से विकेट निकालने में कामयाब हो रही थी। 47 रन पर भारतीय टीम ने दूसरा विकेट गिरा दिया था पाकिस्तान का। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, उनके बाद पाकिस्तान के मध्य क्रम के बल्लेबाज साझेदारी नहीं कर पा रहे थे। जैसे भारतीय टीम की विकेट जा रही थी, वैसे ही पाकिस्तान भी विकेट खो रही थी। 47 रन पर अब 3 विकेट गिर चुके थे पाकिस्तान की टीम के और भारतीय टीम ने कमबैक कर लिया था, लेकिन मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले को अंत तक लेकर आ गए थे। और उसके बाद शाहिद आफरीदी और मिसबाह उल हक ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। दोस्तों मुकाबले में शोएब मलिक 20 रन बनाकर आउट हो गए, तो सलमान बट 17 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, भारतीय टीम ने लगभग 5 बड़े विकेट गिरा चुके थे पाकिस्तान की टीम के, लेकिन अभी भी मैदान पर मिसबाह उल हक बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ यासिर अरफात बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में अपनी तूफानी बल्लेबाजी के नाम पर 50 रन पूरे किए थे इस मिसबाह उल हक ने इस मुकाबले में, लेकिन अब जीत के लिए अंतिम मोड़ पर मुकाबला आ चुका था। दोनों ही टीमें जीत की दहलीज पर थी, जहां पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में आगे निकल चुकी थी। जीत के लिए एक गेंद पर 1 रन चाहिए थे। गेंदबाज से आरपी सिंह, बल्लेबाज से मिसबाह उल हक जो तूफानी अर्धशतक लगा चुके थे। ऐसे में जैसे आरपी सिंह ने आखिरी गेंद डाली, मिसबाह उल हक 1 रन लेने के लिए बड़ा शॉट खेलने के लिए तैयार थे। दोस्तों जैसे आरपी सिंह की बाउंसर गेंद आई, तो मिसबाह उल हक ने इसे ढकेल दिया आगे की ओर और रन देने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वो रन पूरा नहीं कर पाए। दूसरे एंड से हरभजन सिंह ने उन्हें तूफानी तरीके से रन आउट कर दिया और आधी ही क्रीज तक पहुंच पाए मिसबाह उल हक, और आखिरी गेंद पर कोई भी रन नहीं आया और ये तूफानी मुकाबला ड्रॉ हो गया। जी हां दोस्तों, भारत बनाम पाकिस्तान का ये T20 मुकाबला ड्रॉ हो चुका था, जहां भारतीय टीम ने लगभग 99% हारा हुआ मुकाबला ड्रॉ कर दिया था। दोस्तों इसके बाद बोल्ड आउट ओवर हुआ था, यानी कि सुपर ओवर हुआ था, जो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताते हुए जाएं, और अगर वीडियो सही हो तो दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद जाएं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड की राइवलरी हमेशा से ही काफी ज्यादा तगड़ी रही है। दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है आमने सामने, जब भी इन दोनों की T20 सीरीज हो या फिर ODI सीरीज हो। दोस्तों इन दोनों की टक्कर काफी बेहतरीन नजर आई थी, जब तूफानी तरह से बेहतरीन मुकाबला खेला गया था। दोस्तों आप सभी को बताते हैं, भारतीय टीम न्यूजीलैंड का टॉर करने गई थी, वो भी तूफानी मुकाबले में न्यूजीलैंड की सरजमीन पर। तो 2014 में यह मुकाबला खेला गया था, जो कि तीसरा वनडे मुकाबला था इस श्रृंखला का। दोस्तों इस मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी न्यूजीलैंड की टीम और न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा जैसे राइडर के रूप में, जो 20 रन बनाकर आउट हो गए। तो उनके बाद केन विलियमसन ने काफी बेहतरीन पारी खेली थी इस मुकाबले में, कप्तानी पारी खेली थी। इस मुकाबले में उन्होंने 65 रनों की धाकड़ पारी खेली थी, लेकिन वो भी शामी की गेंद पर आउट हो गए थे। तो उनके बाद दोस्तों जैसे राइडर के आउट होने के बाद मार्टिन गप्टिल, जो कि पहले सलामी बल्लेबाज थे जो जैसे राइडर के साथ आए थे, उन्होंने इस मुकाबले में 111 रनों का बेहतरीन अर्धशतक ठोका था। ऐसे में शुरुआत के 3 बल्लेबाजों ने ठीक प्रदर्शन किया था न्यूजीलैंड की तरफ से। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, अपने निर्धारित 50 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 314 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिए थे। दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने पूरा स्कोर कार्ड है न्यूजीलैंड का, आप देख सकते हैं। ऐसे भारतीय टीम को जीतने के लिए 315 रन चाहिए थे। भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज बनकर आए और उनके साथ दूसरे सलामी बल्लेबाज थे शिखर धवन। दोस्तों इन दोनों की जोड़ी उस वक्त काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती थी और सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती थी। लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन भी था दोनों की पार्टनरशिप में, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से पहली विकेट गई शिखर धवन के रूप में, जो इस मुकाबले में 28 रन बनाकर आउट होकर अपनी पहली विकेट गवा बैठे भारतीय टीम की। तो उनके बाद रोहित शर्मा भी उसके अगले ओवर में आउट हो बैठे 39 रन बनाकर। जी हां दोस्तों, उनके बाद एक और बड़ी विकेट गई भारतीय टीम के रूप में। दोस्तों विराट कोहली मात्र 6 रन बनाकर आउट हो गए, जो सबसे बड़ा झटका था भारतीय टीम के लिए। उनके बाद मध्य क्रम में अजिंक्य रहाणे थे, जो कुछ कमाल नहीं कर पाए, मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। ऐसे में इसके बाद रायना भी 31 रन बनाकर आउट हो गए और मैदान से जाने लगे। फिर क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के शेर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने अर्धशतक लगाया। दोस्तों इस मुकाबले महेंद्र सिंह धोनी ने 50 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन वो भी एंडरसन की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन अब यह मुकाबला अपने अंतिम चरण पर आ गया। जडेजा इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक ठोक चुके थे और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर ला चुके थे, लेकिन अंतिम 6 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी। जडेजा ने कुछ चौके और कुछ छक्के लगाए, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी ज्यादा रन चाहिए थे। आइए आपको मैच का असली रोमांच बताते हैं। दोस्तों आखिरी 2 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी, जडेजा स्ट्राइक पर थे, गेंदबाज काफी तूफानी थे। तूफानी गेंदबाज का नाम था कोरी एंडरसन, जो कि एक ऑलराउंडर थे। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें, एंडरसन की इस गेंद पर जडेजा ने अपनी तूफानी शक्ति का इस्तेमाल किया
और बेहतरीन तरीके से एक पुल शॉट लगाया और गेंद स्ट्रेट जाकर गई सीधा स्टेडियम के पार और इस गेंद को तूफानी तरीके से छक्का दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इस गेंद पर तूफानी तरीके से सर रविंद्र जडेजा ने एक बेहतरीन तरीके से छक्का लगाया। ऐसे में दोस्तों सभी को बता दें, अब लगभग जीत की दहलीज पर थी भारतीय टीम, जहां एक गेंद पर दो रनों की दरकार थी। दोस्तों दिल थाम कर बैठी है, आखिरी गेंद जैसे ही कोरे एंडरसन ने सर जडेजा को डाली तो जडेजा ने इसे भी शॉट खेलने के चक्कर में टच कर लिया और ये गेंद जा रही थी सीधा फील्डर के हाथ में दो बाउंस होकर। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी दूसरा रन लेने के लिए दौड़ने ही वाले थे कि गेंदबाज ने गेंद लेकर स्टंप्स पे दे मारी और सर जडेजा एक ही रन ले पाए।